जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 4 ऑल द डेविल्स आर हियर की शुरुआत होती है क्लोई को एक नाइट क्लब में दिखाते हुए, जब उसे निक नाम का लड़का अप्रोच करता है। क्लोई ये मान लेती है कि वो बस इसलिए उसे बात कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है। वो उसे पूछता है कि उसने अपनी फैमिली के फुटस्टेप्स को क्यों छोड़ा, और फिर क्लोई इस बात से लूप में चली जाती है क्योंकि आमतौर पर सब लोग बस उसके पेरेंट्स के बारे में ही बात करना चाहते हैं। जब क्लोई डांस कर रही होती है तो वो किसी को अपना नाम लेते हुए सुनती है। वो देखती है कि जेना नाम की लड़की उसे बुला रही होती है। जेना जल्दी से उसे देखने के लिए दौड़ती है और बताती है कि वो लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि जेना ने भी द यूनियन ज्वाइन कर लिया है। जेना उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन क्लोई उनके साथ ज्वाइन करने को थोड़ा रिलक्टेंट थी। अब ये तो क्लियर है कि क्लोई सच में छोटी उम्र के सुपर्स के साथ जुड़ना नहीं चाहती, और वो इस बात को लेकर इतना आगे जाती है कि वो ये भी कहती है कि वो दोस्त नहीं है और वो सच में कभी बड़े नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत निक की बातों से कन्विंस होकर क्लोई डिसाइड करती है कि वो उन दोनों के साथ जाएंगे और उनका सारा अल्कोहल पी लेंगे और बिना पैसे दिए वहाँ से खिसक लेंगे। जेना प्राइवेट कमरे में वापस आती है तो देखती है कि वहाँ रूबी और कुछ लोग कोकेन स्नॉर्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ ये क्लियर है कि जेना को एक अच्छी लड़की माना जाता है। जिसके बाद क्लोई भी वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि वो ग्रुप में किसी भी तरह से वेलकम नहीं होती है, लेकिन जेना बताती है कि वो सब लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। क्लोई ने सुपर पावर्स के ना होते हुए भी जेना को कई बार बुलीज से बचाया था। रूबी क्लोई को सुनाती है कि उसको अभी परवाह नहीं है कि वो फ्यूनरल में क्यों नहीं आई। तभी वहाँ सेरा आती है जो कि क्लोई से गुस्सा थी कि वो लड़ाई के लिए क्यों नहीं आई। उसको पता करना है कि क्लोई उनकी जान डालने के दौरान कहाँ थी। इन दोनों के बीच एक बहस शुरू हो जाती है जब क्लोई उससे कहती है कि वो उनकी तरह इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को क्राइम से लड़ने के लिए बर्बाद करे। सेरा जेना को याद दिलाती है कि क्लोई के पास कोई दोस्त नहीं है, जिससे भड़क के क्लोई पहला पंच मार देती है। सेरा के जवाब देने से पहले निक अपनी पावर्स का यूज़ करता है जिससे टाइम स्लो हो जाता है, बट ये चीज़ वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता था। इसलिए वो क्लोई को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि उसकी पावर्स का इफेक्ट उन पे से ख़त्म हो जाए, जिसके बाद वो वहाँ से अल्कोहल की बॉटल उठा के निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है 1929 में, जहाँ हम देखते हैं कि शेल्डन एक रेगिस्तान में चल रहा होता है, जहाँ वो एक आदमी और उसके परिवार से मिलता है सड़क के किनारे पर। शुरू में वो आदमी ये मान लेता है कि शेल्डन उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेल्डन उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, वो इस रीज़न से उसके पास नहीं आया है। जिसके बाद शेल्डन उसके हेल्प करने के लिए एग्री करता है इस कंडीशन पे कि वो आदमी उसको डायरेक्शंस बताए उस मिस्टीरियस फार्म की जहाँ एक विंड मिल है। जब वो दोनों कार ठीक कर रहे होते हैं तो शेल्डन उस आदमी को एक मैप दिखाता है जो कि उसने खुद ड्रॉ किया होता है, जिस पे वो आदमी कहता है कि ऐसे विंड मिल तो तुम्हें बहुत मिलेंगे। जिस पे शेल्डन इस विंड मिल को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है बाकी विंड मिल से, जिस पे वो आदमी अपनी वाइफ को मैप दिखाकर पूछता है, जिस पे उसकी वाइफ भी कहती है कि उसने ऐसा विंड मिल कहीं नहीं देखा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी शेल्डन को उसके डेड फादर नज़र आ रहे होते हैं जो कि उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। जब उस आदमी की कार ठीक हो जाती है तो वो आदमी शेल्डन को बताता है कि उन्हें सच में नहीं पता कि ये कहाँ हो सकता है, बट वो आदमी शेल्डन की हालत देखकर उससे ये कहता है कि शायद उसे इस रास्ते पर न जाने के बजाय अपने परिवार की तरफ लौटना चाहिए। इसके बाद वो कपल शेल्डन को एक जगह पर ड्रॉप कर देते हैं। शेल्डन अपनी फियांसे जेन को कॉल करके उसे बताता है कि वो जिंदा है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब हम देखते हैं कि शेल्डन जब बाहर निकलता है तो वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है जो उसके मैप को देख लेती है और बोलती है कि जो विंड मिल तुम खोज रहे हो वो है मिलर फार्म का, जहाँ तुम्हें विंड मिल मिल जाएगी, और वो उसे रास्ता बता देती है। क्लोई और निक क्लोई के घर पर जाते हैं जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि वो फ्यूनरल पर क्यों नहीं गई। तो क्लोई कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फ्यूनरल पर जाऊँ या ना जाऊँ, और मुझे इन पावर से भी कोई शौक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह क्लोई को एक कॉल आती है जिसकी वजह से उसे तुरंत वहाँ से कहीं जाना होता है, और फिर निक को उठाती है और बाहर जाने को बोलती है, साथ में खुद भी तैयार हो रही होती है। वहीं निक बार बार उससे अपने सुपर हीरो नेम को लेकर डिस्कस कर रहा होता है, और यहीं पर रिवील होता है कि निक यूनियन ऑफ जस्टिस के लिए अप्लाई करना चाहता है, एंड क्लोई बस उसके लिए एक रास्ता थी। इसका मतलब वो सिर्फ क्लोई का फ़ायदा उठा रहा था ताकि जब भी यूनियन ऑफ जस्टिस का इंटरव्यू होगा तो क्लोई पहले से ही उसके बारे में अपने फादर को बता दे, जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए। एंड जब ये बात क्लोई को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो निक को बहुत ज़ोर से पंच मारती है, जिससे निक वॉल तोड़कर दूर जाकर गिरता है। फिर क्लोई पहुंचती है अपने फ़ोटोशूट के लिए, जहां वो बहुत लेट हो जाती है, और इसी बीच वो ड्रग्स भी करती है। और यहीं पर जब लास्ट फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाती है तो उसकी मैनेजर उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक सुपर हीरो पोज करो और इस गाड़ी को उठाओ,
और क्लोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गाड़ी को उठा के फेंक मारती है और गाड़ी को ट्रैश कर देती है। शेल्डन जब पहुंचता है मिलर फार्म पर, तब उसे बैक टू बैक फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस जगह पर पहले भी आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फार्मर आ जाता है और शेल्डन के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम बैंक से आए हो क्या? तो शेल्डन कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। मैं कोई बैंक वाला नहीं हूँ। मैंने बस इस जगह को अपने माइंड में देखा था, तो इसलिए मैं इसे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। तो फार्मर कहता है कि तुम पहले ऐसे नहीं हो जिसने इस जगह को अपने दिमाग में देखा और जिसे इसका विजन आया था। बहुत से लोगों को भी यही विजन आया था। शेल्डन उस फार्मर को बताता है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ जब उसने अपने फादर को सुसाइड करते हुए देखा और उसके बाद से उसे ऐसे विजन्स आने लगे। इवेंचुअली फार्मर भी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं फार्मिंग करने से पहले नेवी में था और एक दिन जब वो लोग समुद्र में थे तो एक तूफान की चपेट में आ गए थे जो कि अचानक से वहाँ पे आ गया था और उनके लिए अब तक की सबसे वर्स्ट सिचुएशन थी वो। उनके शिप जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी तो वो तूफान उन्हें हर बार फॉलो करने लगता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तूफान जिंदा हो और उसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस है। और एक पॉइंट पे वो तूफान इतना भारी पड़ गया जिससे वो फार्मर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी बॉडी के कई सारे बोन्स टूट गए और उसे एक अजीब सी रिंग हर वक्त सुनाई देती रहती है। फार्मर शेल्डन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी वो रिंगिंग सुनाई देती है? बट तभी उसे पता चलता है कि शेल्डन अभी तक समुद्र में नहीं गया। फार्मर बताता है कि वो इसके बाद कभी भी समुद्र में नहीं गया, लेकिन वो स्टॉर्म उसे ढूंढ लेता है और उसके विजन्स का एंडलेस सर्कल बस घूमता ही रहता है। जैसे जैसे फार्मर बात करता है वैसे वैसे शेल्डन का रिएक्शन वर्स होते जा रहे थे, इंक्लूडिंग सीइंग हिज डेड फादर टॉन्टिंग हिम। तभी फार्मर को रियलाइज होता है कि शेल्डन किसी को देख रहा होता है और वो शेल्डन से पूछता है कि क्या वो तुमसे क्लोज थे। फार्मर शेल्डन को वॉर्न करता है, वो हमेशा क्लोज ही होते हैं, और बताता है कि वो जो भी हैं उनकी बात मत सुनना क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद वो फार्मर खुद को गोली मार लेता है। फार्मर की डेड बॉडी के नीचे शेल्डन को रियलाइज होता है कि ब्लड के फ्लो से फ्लोर में एक हिडन डोर दिखाई दे रहा है और जब उसे ओपन करता है तो उसे नीचे एक बेसमेंट दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई की हरकतों की वजह से जितने भी एंडोर्समेंट थी वो उसे अपनी ब्रांडिंग वापस लेते जा रहे होते हैं। क्लोई को उसके एजेंट ने भी ड्रॉप कर दिया था उसकी बदतमीजी की वजह से, जिससे क्लोई और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जब क्लोई का एनकाउंटर हुआ था हच और उसकी गैंग के साथ, तो उसका बैग ले लिया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट था। क्लोई घर पर जाती है, उसे निकालती है, उसमें जो कुछ भी होता है उसे स्नॉर्ट करती है एंड सडनली वो पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर वो अपनी दोस्त केटलिन को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे घर पर जल्दी आ जाओ। क्लोई फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें उनके सारे दोस्त भी आए होते हैं। तभी उसके लैंडलॉर्ड आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नोटिस दे रहा हूँ, ये घर खाली कर दो और अपने दोस्तों को तुरंत यहाँ से लेके निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि क्लोई का लैंडलॉर्ड उसके घर की वॉल में जो होल था जिसे उसने निक को पंच मार के किया था, उस होल को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है, जिसे केटलिन रिपेयर करती अपने पावर्स के थ्रू। सीन फिर से शिफ्ट होता है 1929 में, जहां शेल्डन उस बेसमेंट को एक्सप्लोर कर रहा होता है जहां वो फार्मर की फैमिली की डेड बॉडीज को देखता है जो कि टेबल के अराउंड बैठी होती हैं और वहां की वॉल्स पे कुछ ड्राइंग्स होती हैं जो कि सेम उसकी ड्राइंग से मैच हो रही होती हैं। जिसके बाद वो एक वॉच देखता है जो कि सेम उसके फादर के वॉच जैसी होती है और उसे फार्मर की वॉइस सुनाई देती है जो किसी कोऑर्डिनेट्स जैसे नंबर्स को रीड कर रहा होता है। तभी शेल्डन टेबल के अराउंड कुछ लोगों के ग्रुप का विजन देखता है जिसमें शेल्डन के साथ उसका भाई वॉल्टर, जॉर्ज, ग्रेस, फिट्स के साथ में और दो लोग होते हैं जिन्हें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। अब यहाँ एक टाइम पे शेल्डन को देख के ऐसा लगता है कि उसे एक कम्प्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। बट तभी नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं कि शेल्डन उस घर से निकलता है और वहीं उसे वॉल्टर दिखाई देता है। अब यहाँ पे शेल्डन एक डिफरेंट पर्सन के जैसे दिख रहा होता है और वॉल्टर से कहता है कि वो वापस घर जाने के लिए रेडी है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जेना क्लोई के अपार्टमेंट में आती है, जहाँ जेना क्लोई को देखती है कि वो टॉयलेट में वॉमिटिंग कर रही होती है। जेना उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है बट क्लोई उसकी हेल्प नहीं चाहती थी। अब यहाँ जेना बस उसकी हेल्प करना चाहती थी एज वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड, बट क्लोई उसे एक्यूज़ करती है कि वो बस लेडी लिबर्टी के जैसे बनना चाहती है। अब जेना इस कमेंट को ब्रश ऑफ करती है और क्लोई को कुछ खिलाने के लिए ले जाने की कोशिश करती है। क्लोई जानती है कि जेना उसे पसंद नहीं करती बट वो सोचती है कि आखिर क्यों जेना उसकी हेल्प करना चाहती है। अब क्लोई से बहस करने के बजाय जेना वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। जाने से पहले जेना क्लोई को रिमाइंड कराती है कि वो जो बन रही है उससे काफ़ी बेटर है, बट क्लोई बिलीव्स अदरवाइज। क्लोई वापस अपने लिविंग रूम में आती है और अपनी मॉम को कॉल करने का डिसाइड करने की कोशिश करती है। हाउएवर वो उनसे बात करने और हेल्प मांगने के इंस्टेड अपना फ़ोन ब्रेक कर देती है
जिसके बाद क्लोई उस बैग में से बचा हुआ ड्रग्स निकालती है और उसे पूरा स्नॉर्ट कर जाती है, इससे पहले कि वो उसे भी खो दे। आगे हम देखते हैं कि ड्रग्स के इफेक्ट से क्लोई को खुद के विजन्स आने लगते हैं और वो टीवी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, बट इससे पहले कि क्लोई वहां तक पहुंच पाती वो ग्लास टेबल पर गिर जाती है। एंड में हम देखते हैं कि हज क्लोई के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट होता है और क्लोई को फ्लोर पे तड़पता हुआ पाता है, और वहीं उसे वो ड्रग्स का बैग भी दिखता है जो कि खाली हो चुका था। और यहीं पे जुपिटर्स लेगेसी का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।